कोचिंग कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोरोना के कहर की वजह से कोचिंग बंद हो गई तो वहीं देश के कोने कोने से आए छात्र वापस अपने घर चले गए। हॉस्टल खाली हो गए हैं, मेस बंद हो गई है, जिससे इनसे जुड़े करीब 1 लाख परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। 18 जनवरी को कोचिंग खुलने के साथ ही अलग अलग राज्यों से करीब 50,000 स्टूडेंट्स कोटा आए थे, लेकिन अप्रैल में होने वाली जेईई मेन्स परीक्षा स्थगित होने से करीब 40,000 स्टूडेंट्स यहां से वापस लौट चुके हैं। हॉस्टलों में गिनती के स्टूडेंट्स बचे हैं। कोचिंग सेंटरों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराना शुरू कर दिया है, जिससे हॉस्टल संचालन चुनौती का विषय बन गया है। 3,000 करोड़ की हॉस्टल इंडस्ट्री अब महज 100 करोड़ में सिमट गई है। मेरे पीछे जो सड़क आपको नजर आ रही है, कभी हजारों कोचिंग छात्रों की चहलकदमी से आबाद हुआ करती थी, पर कोरोना के कहर ने इसे वीरान कर दिया है। राज्य सरकार ने 3 मई से कोचिंग बंद करने की जैसे ही घोषणा की, देश के कोने कोने से कोटा आए हजारों छात्र पलायन कर गए, और इसके साथ ही कोरोना की पहली वेव से बर्बाद हुई पर लड़खड़ाती हुई पटरी पर आती कोटा शहर की अर्थव्यवस्था वापस छिन्न भिन्न हो गई। कोचिंग कोटा शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर कोरोना की दूसरी वेव ने कोटा की कमर तोड़ दी है। इससे कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल, मेस व इससे जुड़े निम्न व मध्यम आय के लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया है। कोटा में हर साल आने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स की बदौलत सालाना 3,000 करोड़ रुपए की हॉस्टल इंडस्ट्री इस महामारी की वजह से घटकर महज 100 करोड़ की ही बमुश्किल बची है। हर महीने आने वाली बैंक लोन की किश्तों की कल्पना से ही हॉस्टल संचालक सहम उठे हैं। बहरहाल ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा और कोटा वापस खड़ा होगा। A1 TV के लिए शिक्षा नगरी कोटा से प्रणय विजय।